सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कविता के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी और समझाया था, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। अब आते हैं व्याकरण विभाग की ओर, जहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। पेज नंबर 11 वहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में यहाँ पे बताया है, तो हम आज वो सीखेंगे। वैसे तो 10 विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पे बताया है, हम आज 5 ही विराम चिन्ह के बारे में अभ्यास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो ये 5 विराम चिन्ह के बारे में हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो पहले विराम चिन्ह किसे बोलते हैं वो मैं आपको समझा दूँ। विराम चिन्ह जो हम आमतौर पे जब भी हम वार्तालाप करते हैं, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे रुकते हैं या किसी को कुछ पूछते हैं, तभी ये चिन्ह है, उसका प्रयोग हम निरंतर करते हैं। हालांकि हमको पता नहीं होता तभी कि ये कौन सा चिन्ह का उपयोग हमने किया है, पर बोलते तो है ही, इसलिए पता तो चलेगा ही। यहाँ पे है प्रश्नचिन्ह के बारे में हमें बताया, तो हम किसी को पूछते हैं कि ये कपड़े तूने कहाँ से खरीदे, है ना। तो ये जो है ये सभी जगह पे यहाँ पे ऐसे चिन्ह आते हैं। तो वैसे अलग अलग तरह के चिन्हों का अभ्यास हम आज करेंगे। तो ये देखते हैं पहले चिन्ह के बारे में, जो है पूर्ण विराम, ठीक है ना। चलिए पहले पूर्ण विराम के बारे में हम अभ्यास करेंगे, देखेंगे। तो पूर्ण विराम, जैसे कि कोई भी वाक्य हम बोलते हैं तो वो पूर्ण हो जाने पर उसका प्रयोजन हम करते हैं। पूर्ण विराम का निशान है वो ऐसे आएगा, ये पूर्ण विराम का निशान है। जैसे कि हम लिखते हैं विराम वन में गए, ठीक है, में जाने
लगा सकते हैं और विराम का निशान रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे ये दो जो विराम चिन्ह है उसके बारे में हमने अभ्यास किया, पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में, ठीक है ना। तो इसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लेने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाच्य चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाच्य चिन्ह का ऐसे चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे पता दिया है कि किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी को कुछ पूछना है, हमको किसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आज खाने में क्या बनाएंगे, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे प्रश्न वाचक चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यवहार में भी हम कई तरह के ऐसे प्रश्न पर किसी को पूछते हैं। अब आते हैं आगे की ओर। आगे जो चिन्ह है वो विस्मयादिबोधक चिन्हों के बारे में बताया गया है। देखते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी कि हम मन के जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं कहीं पे, तो वहां पे उस वाक्य के अंत में हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। या कोई शब्द जैसे कि ओहो, अरे, वैसे जो मन के भाव से शब्द निकल जाते हैं वहां पे हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखते हैं जैसे कि आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख, ये सभी है जो मन के भाव है, मनुष्य के मन के भाव है, इसके बारे में हमने बताया है। आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि वाह, तो यहाँ पे ये सभी जहाँ पे इसमें शब्द है चिन्ह है वो
भाव यहाँ पे प्रकट होते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण के तौर पर यहाँ पे है, वाह आपने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुम जीत गए। तो यहाँ पे ऐसे जहाँ पे शब्द का प्रयोजन होता है वहां पे हम ये विस्मयबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब आते हैं पांच के चिन्ह पर, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में हम अभी समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है योजक चिन्ह और उसकी जो परिभाषा है, तो मैं दिखाती हूँ। योजक चिन्ह का उपयोग सामासिक शब्द जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि सामासिक शब्द सुख दुख, माता पिता, देश विदेश। तो ऐसे शब्द जहाँ पे हम प्रयोजन करते हैं वहाँ पे हम बीच में ये योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है, सबके जीवन में सुख दुख आता है, स्वामी विवेकानंद, देश विदेश घूमे हैं। तो ऐसे कई तरह के उदाहरण हम अपने आप बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सुख दुख का, माता पिता का, देश विदेश का, ऐसे कई शब्द है, अकेले इतने तीन ही है वैसा नहीं है, ठीक है ना। काला रोड़ा, वैसे पानी वानी, जो भी दो शब्द जहाँ पे सामासिक शब्द प्रयोजन करते हैं वहाँ पे ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आज के दिन ये पांच जो विराम चिन्ह है उसके बारे में आपने जाना, और मैंने यहाँ पे जो पांच चिन्ह लिखे हैं वो उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। ये 11वां पेज और 12वां पेज वहाँ पे ये चिन्ह के निशान और उसके जो भी उदाहरण है वो भी यहाँ पे दिखाए गए, मैं उसको फोटोग्राफ्स में आपको भेज दूंगी। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।